नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज की खास खबर, बिहार के शिक्षकों के लिए बेमियादी हड़ताल के दौरान सस्पेंड शिक्षक होंगे निलंबन मुक्त, बर्खास्त शिक्षक होंगे सेवा में वापस, शिक्षा विभाग का आदेश हुआ जारी, इन शिक्षकों को भी मिलेगा लॉकडाउन अवधि का वेतन, नहीं होगी सेवा टूट, उपार्जित अवकाश से होगी क्षतिपूर्ति। आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई के जद में आए 29,000 शिक्षकों का निलंबन वापस होगा, साथ ही बर्खास्त किए गए शिक्षक भी सेवा में वापस लिए जाएंगे। इस आशय का आदेश जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने एक व्यवस्था भी दी है कि जिसके तहत यह समूची कवायद की जानी है। आदेश में कहा गया है कि इन सभी शिक्षकों को निलंबन और विभागीय कार्रवाई से मुक्त होने के बाद लॉकडाउन अवधि का वेतन भी मिलेगा। इधर यह भी बताते चले कि हड़ताल की पृष्ठभूमि में जिन शिक्षकों की सेवा समाप्ति की गई, वे अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करेंगे। इन पर अपीलीय प्राधिकार समीक्षा करते हुए सेवा में वापसी का आदेश लेगा। सेवा समाप्ति की तिथि और सेवा में वापस होने की तिथि के बीच की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। इस अवधि के लिए उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। उपार्जित अवकाश संचित नहीं रहने की स्थिति में अवैतनिक असाधारण अवकाश मंजूर किया जाएगा। शिक्षा विभाग का यह आदेश शिक्षक संगठनों और शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों की मीटिंग के बाद बनी सहमति के पालन में जारी किया गया है। 17 फरवरी से प्राथमिक और 25 फरवरी से माध्यमिक शिक्षक से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इधर बताते चले कि हड़ताल से लौटे राज्यभर के शिक्षकों का निलंबन टूटेगा। इसके साथ ही बर्खास्त शिक्षकों की सेवा फिर से बहाल होगी। बर्खास्ती और उसकी समाप्ति के बीच की अवधि को सेवा टूट नहीं मानी जाएगी। यह अवधि उपार्जित अवकाश में शामिल होगी। हड़ताल अवधि में शिक्षकों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें मुक्त करने का आदेश शिक्षा विभाग ने गुरुवार को जारी कर दिया है। इससे हड़ताल पर जाने के बाद विभागीय कार्रवाई झेल रहे शिक्षकों को राहत मिली है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक नियोजित शिक्षकों के मामले में उनका निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें विभागीय कार्रवाई से मुक्त करने की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित नियोजन इकाई से की जाएगी। इकाई द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनुवर्ती आदेश निर्गत किया जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।